मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं TV24 से अखबार नदीन। इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे सामने रेलवे बंद करके और हैवी ट्रैफिक भी चल रही है यहाँ पे, ना हैवी ट्रैफिक पर रोका गया है और न ही ट्रैफिक कोई डायवर्ट किया गया है। इस कारण जैसा किया जा रहा है नॉन लीक का, आप देखें अगर तो जो PDI है उसको जलसा करने भी पाबंदी है और उसको रैली निकालने भी पाबंदी है, लेकिन दूसरी तरफ लेवल ग्राउंड फीड इस तरह दी जा रही है तो जन लोगों को जमा करके यहाँ पर इलेक्शन ऑफिस का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर आप जमीन ये अगर 200 या 300 लोग होंगे जो यहाँ पे कर रहे हैं अपना इलेक्शन ऑफिस का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे आप वो ये सामने अजीम अजीज सुल्तान साहब ने ये मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, इमरान बाबर भाई यहाँ पे नवाज शरीफ के लिए आदर सुल्तान आया होगा। नवाज शरीफ के लिए खड़े हैं या वैसे नहीं? नहीं नवाज शरीफ के लिए आदर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप यहाँ पे देख रहे हैं नवाज शरीफ का, आपको पता है कि रोड जा रहे हैं आपके ख्याल में क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है, ये नजर आ रही है यहाँ पे नया हूँ, मुझे इतना इसका आइडिया नहीं। आज रैली निकालनी थी मुझे नहीं पता इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्यों खड़े हैं? हम रैली में आए हैं। रैली में आए हैं, आपके ख्याल में जो ट्रैफिक को ब्लॉक की गई है, एक बंद साइड रोड ब्लॉक की गई है, सही हुआ है? तकरीबन सही हुआ है। सही हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सोच है आपकी, थैंक यू जी। आप बताएं क्या बात कर रहे हैं? मैं किस चीज ये ट्रैफिक पे जो ट्रैफिक जाम हो गई है, ट्रैफिक जाम करके एक बंदे को जलसे की इजाजत दी गई है, ठीक ये इलेक्शन के दिनों में ऐसा होता रहता है, अक्सर ट्रैफिक जाम होती रहती है, रोडों में गलियों मोहल्लों में ऐसे जलसे जुलूस किए जाते हैं, तो अब तो ये वैसे भी इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, तो इस बार हम जो PDI को भी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वो PDI का हक है, जो भी सियासी जमात है ये उसका हक है, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं दी जा रही आपके वो? कुछ इस पे हम कोई खास बात नहीं कर सकते जी, क्योंकि ऐसी बात करते हैं तो फिर उठा लेते हैं। हाँ, कौन उठा लेते हैं आपको? PDI वाले उठा लेते हैं या पुलिस वाले उठा लेते हैं? नहीं, जिन्होंने उठाना है वो उठा लेते हैं, काले वी को डाले वाले आते हैं। अच्छा, देख ले अभी भी छुपा के लगाए हुए है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। ये जो दिन है अभी तो नून लीग के चल रहे हैं, और जो मेरा रब करेगा ना वो एक दिन आना है, और इंशाल्लाह ताला। तो आप जुगल के लिए खड़े हैं या? नहीं नहीं, हम तो वैसे आए हैं, हमें दावत दी गई है, हम इसलिए आए हैं। तो हाँ, तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है वो तमाम पार्टी को मिलनी चाहिए, वो उनका हक है। तो ये जो आप ट्रैफिक जाम की बात कर रहे हैं, ये जल्द से जुलूस वाले ये इलेक्शन वाले दिनों में ऐसा होता रहता है। नहीं होता है, लेकिन सबके लिए होना चाहिए ना फिर? ये तो मैं भी कह रहा हूँ सबके लिए होना चाहिए, वो एक अलग बात है, ये तो उनका एक नजरिया है, उनकी एक सोच है कि किसको देनी है किसको नहीं देनी, तो वो जो बेहतर समझते हैं वही होगा, तो हम इसमें कुछ खास नहीं कह सकते, जो मैंने पहले कहना था वो कह दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत देखा है, थैंक यू। यहाँ पे रोड ब्लॉक करके लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, बोलना चाहेंगे क्या बोले? आपके ख्याल में जो रोड ब्लॉक करके एक बंदे को जो लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जा रही है, ठीक है? ये सारे करते हैं, एक थोड़ी ना करता है, सारे करते हैं, तो फिर PDI को देनी चाहिए ना? देनी चाहिए, थैंक यू, बस यही पूछना चाहता हूँ। नजीर सुल्तान साहब ने यहाँ पे नजरीन कहा था, एक वीडियो वायरल थी कि अपने बच्चों के घर से जो घर के बच्चे हैं उन पे ध्यान रखें,
और पता नहीं अब वजीर सुल्तान साहब तो क्या पड़ी है कि इलेक्शन आप उसका इंतजार कर रहे हैं और वो भी रोड बुला करके। नजीर ये चंद सौ लोग हैं यहाँ पर जो ज्यादातर हैं वो भी इसमें पीडीआई के लोग हैं जो शुगर देने के लिए खड़े हैं। नारे लगाए जा रहे हैं स्पीकर से और जितने लोग खड़े हैं इनमें से कोई भी इन नारों का जवाब नहीं। जबकि स्टेज पर हज़रत सुल्तान साहब मौजूद हैं। कोई नहीं कोई नहीं। प्रोग्राम तो वर्ड नहीं गया। ये लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की जा रही है। देखो, देखो, हैवी ट्रैफिक को रोका नहीं गया और एक तरफ से रोड ब्लॉक कर दी गई है और हाजरीन में से जो जलसे में मौजूद हैं या इस इफ्तिताह में जो लोग आए हुए हैं उसमें कोई भी बंदा इसमें नारों का जवाब नहीं दे रहा।